जी अस्सलाम वालेकुम। इस बार वीडियो में थोड़ी सी लेट अपडेट की है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दो टेस्ट मैचेस ख़त्म हो गए और पाकिस्तान एक बार फिर साउथ अफ्रीका में सीरीज़ हार गया। सीरीज़ जीतने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका पाकिस्तान का, जबकि पाकिस्तान की टीम में इतनी जान, या प्रॉब्ली अगर ये सही खेलते तो इसकी टीम में इतनी कैपेसिटी थी कि ये जीत सकते थे। मगर पाकिस्तान की टीम ने पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी बैटिंग बिल्कुल कलेप्स कर गई। इवन दूसरी इनिंग में जब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, तो अच्छा खेल के जब इनिशिएटिव था उनके पास, इनिशिएटिव उन्होंने खो दिया। क्योंकि जब पाकिस्तान की पार्टनरशिप लगी थी, तो उनके पास एक मौका था कि वो उसको कैपिटलाइज करते असद शफीक और शानसूद की पार्टनरशिप से, और वहाँ से इतने रन करते जो साउथ अफ्रीका को टैक्स कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान के पास शायद 49 रन इतने नहीं थे जो साउथ अफ्रीका को ट्रबल कर सकते, लेकिन अगर कहीं पहले टेस्ट में की तरह 150 पौने 200 का टारगेट होता, तो शायद यू नेवर नो, क्योंकि जिस तरह पिच खेल रही थी पाकिस्तान मैच बना सकता था। अल्टीमेटली पाकिस्तान की पुअर सिलेक्शन आप कह लें, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच दोनों हारा। क्योंकि फ़खर जमान टेस्ट मैच में बिल्कुल चले नहीं, और लगा नहीं कि वो टेस्ट प्लेयर हैं या टेस्ट मटीरियल हैं। उसके बाद असद शफीक ने इनिंग्स खेली, 50 किया, मगर अब उस 50 के बाद अगला 50 उन्हें टीम के लिए करना चाहिए था। क्योंकि असद शफीक बहुत दफ़ा अच्छा खेलते हैं, टीम को एक अच्छी बिल्डिंग विनिंग पोजीशन में लेकर आते हैं, और उसके बाद इनिशिएटिव खो देते हैं। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फिर अबू धाबी में, दुबई में श्रीलंका के खिलाफ, फिर अब दोबारा साउथ अफ्रीका में। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान की टीम आई थी साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी यूनुस खान के साथ, और दोनों ने सेंचुरीज की थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मैच हार गया था। अज़हर अली ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया इस सीरीज़ में, उन पर ड्यू है अगले मैच, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उन पर भी। शान मसूद इस बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ के एक फाइंड रहे हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने खेला, और उन्होंने शो किया कि उन्होंने काम किया अपनी टेक्निक पे, अपनी बैटिंग पर, और आउटपुट दिया उन्होंने अच्छी। पाकिस्तान को अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने टफ टाइम साउथ अफ्रीका को देना है। जिसकी एग्जाम्पल आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इंडिया खेल रहा है, उन्होंने अपनी बैटिंग की वजह से सीरीज़ जीत ली है। बॉलिंग उनके पास अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन इंडिया ने जो अपनी बैटिंग की, पुजारा, कोहली, रहाने, हर एक ने चिप इन किया, और वो अल्टीमेटली सीरीज़ जीत गए। तो पाकिस्तान को एक तीसरा टेस्ट मैच रह गया है, पाकिस्तान को प्राइड के लिए खेलना है, पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीतना है ये शो करवाने के लिए कि वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं, एक अच्छी टेस्ट टीम है, और अपनी प्राइड को मेंटेन रखना है। तो पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में बैटिंग कलेप्स नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, और टीम सिलेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यासिर शाह बिल्कुल एक सब कॉन्टिनेंट स्पिनर के तौर पर उनको लेने जाने लगा है, और ये एक अच्छा टैग नहीं है जो आपके नाम के साथ लगे कि आप सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ही आउट कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो भी आउट करें, और शायद पाकिस्तान को उनको रेस्ट करके फहीम अशरफ को लाना चाहिए, क्योंकि अच्छी बाउंसी विकेट साउथ अफ्रीका ने बनाई हुई हैं। तो फहीम अशरफ को एक ट्राई देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के पास चार प्योर फास्ट बॉलर्स हों, और पाकिस्तान को अपनी स्पीड अप करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के बॉलर्स की स्पीड उतनी नहीं थी जितनी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की थी, तो पाकिस्तान को अपनी स्पीड अप करनी पड़ेगी, और अच्छी बॉलिंग के साथ साथ अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम कहते रहे कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने 400 रन भी कर दिए उनको। तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग भी इंप्रूव करनी है, साउथ अफ्रीका को कम स्कोर के अंदर आउट करना है, और अच्छी बैटिंग करनी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान बैटिंग सही कर जाता है, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान टफ टाइम दे सकता है साउथ अफ्रीका को तीसरे टेस्ट मैच में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मोर एनालिसिस और क्रिकेट चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।